नेटफ्लिक्स ने एनमे के कॉन्ग को बहुत ही शक्तिशाली दिखाया है, इतना कि उसने अपने से कई गुना बड़े सी मॉन्स्टर को मौत की घाट उतारा है। तो तब क्या होगा अगर इसका सामना मॉन्स्टर वर्सेस कॉन्ग से हो? कौन जीतेगा इस महायुद्ध को जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। एनमे के कॉन्ग को जितना शक्तिशाली दिखाया गया है उतना ही शांत स्वभाव का एप भी बताया गया है, जो दूसरे ह्यूमन या क्रिएचर को नुकसान नहीं पहुंचाता, जब तक कि वह स्कल आइलैंड के इनोसेंट जीवों को चोट नहीं पहुंचाता। ठीक वैसे ही जैसे मॉन्स्टरवर्स का कॉन्ग है, एनमे के कॉन्ग को 100 फीट बड़ा दिखाया गया है। तब हम स्कल आइलैंड मूवी में दिखाए कॉन्ग को लेंगे, क्योंकि वह भी 104 फीट बड़ा था। अगर हम गौडजिला वर्सेस कॉन्ग वाले कॉन्ग को लेंगे तब वह 356 फीट बड़ा था। तो इस हिसाब से मॉन्स्टरवर्स का कॉन्ग आसानी से जीत जाएगा और ये लड़ाई बराबरी की नहीं रह जाएगी। इसलिए हम स्कल आइलैंड में दिखाए जाने वाले वर्जन को लेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तब एनिमे के कॉन्ग ने लिजार जैसे दिखने वाले क्रिएचर को मारा है जो ग्रुप में कॉन्ग पर हमला कर रहे थे। स्कल क्राल को बड़ी आसानी से जाल में फंसा कर मार दिया था। वहीं स्कल आइलैंड के कॉन्ग ने छोटे स्कल क्रालर को बड़ी आसानी से मार दिया था। जाइंट ऑक्टोपस को सिर्फ अपने खाने के लिए मार दिया था। वहीं अल्फा स्कल क्रालर को मौत के घाट उतारा है। इन सब लड़ाई से पता चल जाता है कि दोनों ही स्ट्रांग है, पर यहाँ पर एनिमे का कॉन्ग ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आता है, क्योंकि उसने अपने से बड़े जाइंट सी मॉन्स्टर को मारा था जो उसके मुकाबले कई गुना बड़ा था। जबकि यह कॉन्ग अपने से बड़े अल्फा स्कल क्रालर को मारने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। एनिमे का कॉन्ग जब लिजार्ड क्रिएचर से लड़ता है तो उसके स्ट्रेंथ के वार से पूरी चट्टान की दीवार गिर जाती है। और ऐसा करते हुए हमने इस कॉन्ग को नहीं देखा है ड्यूरेबिलिटी में तो दोनों लगभग बराबर लगते हैं, क्योंकि एनिमे के कॉन्ग को लिजार्ड क्रिएचर ने काट कर घायल कर दिया था, सी मॉन्स्टर ने बुरी तरह घायल कर दिया था। वहीं स्कल आइलैंड के कॉन्ग को हेलीकॉप्टर ने चोट पहुंचाकर घायल कर दिया था, बम से भी वह घायल हो गया था, और अल्फा स्कल काना ने उसे घायल कर दिया था। लेकिन दोनों की खास बात यह है कि दोनों घायल होने के बाद भी लड़ते रहते हैं। एजिलिटी, दोनों ही कॉन्ग बहुत फुर्तीले है। एनिमे का कॉन्ग लटकते हुए यहाँ से वहाँ आसानी से जा सकता है, पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है, और जब मार कर हल की तरह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँच सकता है। वहीं स्कल आइलैंड का कॉन्ग भी बहुत फुर्तीला है, जो बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ सकता है, जंप कर सकता है और तेज दौड़ सकता है। लेकिन इस कॉन्ग को एनिमे के कॉन्ग की तरह जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नहीं दिखाया गया है। तो हो सकता है यह कॉन्ग ऐसा नहीं कर सकता हो, तब एनिमे के कॉन्ग के पास ज़्यादा एडवांटेज होगा। साइज, स्कल आइलैंड का कॉन्ग 104 फीट बड़ा है, वहीं एनिमे सीरीज में इस कॉन्ग को 100 फीट बड़ा एप बताया गया है, यानी कि साइज में ज़्यादा अंतर नहीं है कि दोनों में से किसी को एडवांटेज मिल सके। इंटेलिजेंस, दोनों ही कॉन्ग इंटेलिजेंस एप में आते हैं, क्योंकि दोनों ही स्कल आइलैंड में रहने वाले जीवों की रक्षा करना चाहते हैं, चाहे वह इंसान हो या फिर क्रिएचर। दोनों ही कॉन्ग इंसान से साइन लैंग्वेज में बात करने में सक्षम है, और दोनों ही अपने दुश्मन के खिलाफ फाइट करने के लिए आसपास के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एनिमे का कॉन्ग लिजार्ड क्रिएचर को मारने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करता है, स्कल क्रालर को मारने के लिए नुकीले लकड़ी का इस्तेमाल करता है, अपने आप को बचाने के लिए सिर से मार कर छुड़ाता है। वहीं स्कल आइलैंड का कॉन्ग स्कल क्रालर के खिलाफ लकड़ी और बोट प्रोपेलर का इस्तेमाल करता है। कॉम्बैट एक्सपीरियंस, वैसे तो दोनों ही कॉन्ग एक यंग एप है, क्योंकि अभी तक दोनों ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी हाइट कम है। फिर भी दोनों ने स्कल आइलैंड में रहकर कई मॉन्स्टर से फाइट की है और उन्हें मौत के घाट उतारा है। एनिमे कॉन्ग लिजार्ड, स्कल क्रालर और सी मॉन्स्टर से फाइट ली है, और इस कॉन्ग ने ह्यूमन और स्कल क्रालर से भी फाइट ली है। तो दोनों लगभग फाइट के लिए बराबर एक्सपीरियंस रखते हैं। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा कॉन्ग जीतेगा। तब एनिमे का कॉन्ग ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, क्योंकि उसने अपने से बड़े सी मॉन्स्टर से फाइट ली है, जबकि इस कॉन्ग ने स्कल क्रालर से भी फाइट करते वक्त सर्वाइव किया है, और एनिमे कॉन्ग ज़्यादा फास्ट और फुर्तीला लगता है। तब इस आधार पर देखें तो एनिमे के कॉन्ग के जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, तो इसके जीतने के परसेंट ज़्यादा है। स्कल आइलैंड का कॉन्ग जीत सकता है, पर उसके कम चांस हैं।
आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।